इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हमने पेंट 2D यानी कि टू डायमेंशनल पेंट सॉफ्टवेयर जो है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसे ओपन कैसे करना है। आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप टाइप करेंगे पेंट। जब आप पेंट टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पेंट की दो एप्लीकेशंस यानी दो सॉफ्टवेयर आएंगे। एक आपके पास पेंट टू डायमेंशनल यानी 2D आएगा, एक पेंट 3D आएगा। तो आपने पेंट 2D के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेंट 2D की विंडो खुल जाएगी। अब इस पूरी विंडो का आपके आपने इसका सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे हर ऑप्शन के ऊपर जाके क्या एक्शन परफॉर्म होता है। सबसे पहले यहाँ पे फाइल का बटन नज़र आ रहा है आपको। फाइल के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपने कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तब आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी कोई पेंट की फाइल आपने ओपन करनी है, तब आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव के तौर पे इसको क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह अपनी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप विंडो को, अपनी जो पेंट की विंडो है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ से क्या मुराद है कि ये यहाँ पे छुप जाएगा। वापस मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने आ जाएगा। तो ये तो आपको यहाँ पे फाइल का मतलब समझ में आ गया। इसके साथ ही आपको यहाँ पे सेव का शॉर्टकट की नज़र आ रही है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे जो भी काम किया होगा वो आपका सेव हो जाएगा। उसके साथ आपको यहाँ पे दो एरोज़ नज़र आ रहे हैं, ये अंडू और रीडू के हैं, इसको हम आगे चल के सीखेंगे। और फिर यहाँ से जो फाइल के जितने भी ऑप्शन थे उनको आप क्विकली एक्सेस करना चाहें तो इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे होम टैब नज़र आ रही है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट पेंट के सारे बेसिक फीचर्स मौजूद हैं। उसके साथ यहाँ पे व्यू टैब है, जिसमें आप अपनी पूरे पेंट को जहाँ पे आपने ड्रॉ करना है उसका व्यू चेंज कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहें फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो ये तमाम हमारे पास व्यू के ऑप्शन हैं। अब जब हम होम के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको क्लिप बोर्ड का। क्लिप बोर्ड से क्या मुराद है कि जो चीज़ भी आप कट करते हैं कॉपी करते हैं वो आपको यहाँ क्लिप बोर्ड में नज़र आएगी। और आप कोई पेस्ट करना चाहते हैं कोई भी फाइल, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको पेस्ट फ्रॉम का। पेस्ट का और पेस्ट फ्रॉम में क्या फ़र्क है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज एक इमेज हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारे सामने एक इमेज है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ से आपने इसको कॉपी किया, पेंट में आप गए, आपने पेस्ट के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ से आपने क्लिक करना है पेज फ्रॉम के ऊपर, और यहाँ से ये डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया तो ये इमेज आपके पास यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ और फिर से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ तो देखें पेंट के अंदर ही हमने इसका फिर से एक कॉपी पेस्ट वर्जन तैयार कर लिया। फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो ये हमारे पास फिर से पेस्ट हो गया। तो पेस्ट फ्रॉम इस्तेमाल होता है कि जब कभी भी आपने अपने डेस्कटॉप से या अपने कंप्यूटर से कोई इमेज पेंट में लाना चाहें तब आप पेस्ट फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, और जब आप यहाँ पेंट के अंदर ही एक इमेज को कॉपी पेस्ट करना चाहें तब आप पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि अगर मैं इसको कट करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ से कट हो जाएगा। इसी तरह आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको आप कॉपी करना चाहते हैं, इसको मैंने कॉपी किया और फिर पेस्ट किया तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये आपको क्लिप बोर्ड समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे इमेज के पोजीशन के ऊपर। अब आप इमेज को चाहें तो यहाँ से क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप से क्या मुराद है कि आप उसका कोई हिस्सा यहाँ से कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि हमने बात की थी कि यहाँ पे आपको दो एरोज़ नज़र आ रहे हैं, ये इस्तेमाल होते हैं रीडू के लिए और अंडू के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्रॉप किया था, वापस मैंने इसको अंडू करके इसकी ओरिजिनल शक्ल में मैं इसको ले आया, वापस अंडू किया तो फिर से ये पुरानी स्टेट में हमारे सामने आ गया। फिर यहाँ पे आपको रीसाइज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको पिक्सल का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ से आप अपने इमेज को
कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसका साइज़ कम या ज़्यादा किया जा सकता है। फिर यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आप अपने पूरे इस पेंट की जो स्क्रीन आ रही है इसको आप रोटेट करना चाहें तो आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। इमेज के साथ ही आपको यहाँ पे टूल्स का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। टूल्स के यहाँ पे हमारे पास एक पेंसिल का टूल आता है, इसमें आप कोई भी चीज़ अपने हाथ से ड्रॉ करना चाहें तब आप अपने हाथ से कोई ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पर मैंने एक एप्पल ड्रॉ कर लिया है, या अगर आप कोई लिखना चाहें पेंसिल से तब आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको इरेजर का बटन का टूल है, यानी जो कुछ भी आपने लिखा है उसको मैं मिटाना चाहता हूँ तो आप यहाँ से उसको मिटा भी सकते हैं। ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। इसको मैं यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया, अब आप देखें कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। उसके साथ आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि कहीं पे आप अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, और उसके बाद इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये तमाम फॉर्मेटिंग की जा सकती है पेंट के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये क्या करता है कि आपकी जो कलर है, जो भी पिक्चर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कलर ये पिक करेगा, और फिर उस यहाँ से आपने इस कलर को पिक किया, देखें इसका स्किन वाइट कलर था पिक किया, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ से फिर से यहाँ से कलर पिक करते हैं, ये हमने कलर पिक किया, और फिर से मैं इसको इस्तेमाल करना चाहूँ तो यहाँ कर सकता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे मैग्नीफायर का ऑप्शन है, कहीं पे आप जूम करना चाहें तो आप जूम करके भी देख सकते हैं, और जूम करना चाहें तो और जूम करके भी देख सकते हैं। तो हम इसको वापस वापस जूम आउट करना चाहें तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन है। अब आपने बेसिक टूल्स सीख ली हैं, इमेज प्रॉपर्टीज़ का भी आपको पता चल गया है, क्लिपबोर्ड का भी आइडिया हो गया है, काफ़ी कुछ आपने यहाँ पे सीख लिया है। अब इसकी बात की जो वीडियोस होगी उसके अंदर हम शेप्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, शेप्स का साइज़ उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कलर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये कुछ हम सीखेंगे इससे आने वाली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिक सीख चुके हैं कि पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है विंडोज़ में।